कंपनी की लेजर मशीन में दबकर ठेका श्रमिक की मौत के मामले में आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजा की मांग को लेकर बुधवार की शाम कुम्हारी अहिवारा मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। मौके पर पहुंची कुम्हारी पुलिस ग्रामीणों को समझाने के प्रयास में जुटी रही। इस पूरे मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ कर दी है। कुम्हारी के ग्राम ढावा निवासी बलराम चक्रधारी गुरु नानक एग्रीकल्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में ठेका श्रमिक के रूप में काम करता था। बीते 3 वर्षों से मृतक काम कर रहा था। बुधवार की सुबह घर से ड्यूटी के लिए बलराम निकला था। सुबह 9 बजे बलराम लेजर मशीन के पास काम कर रहा था। अचानक लेजर मशीन की चपेट में श्रमिक आ गया। दबने से बलराम की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की खबर लगते ही ग्राम ढावा के लोग फैक्ट्री पहुंच गए। ग्रामीणों ने फैक्ट्री में कार्यरत अन्य श्रमिकों के साथ प्रदर्शन करना शुरू किया। अपनी मांगों को लेकर कुम्हारी अहिवारा मार्ग को जाम भी कर डाला। मृतक के परिवार को जल्द मुआवजे की राशि देने की मांग कर रहे थे। मौके पर तहसीलदार व कुम्हारी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाइश भी दी। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने 25 लाख की डिमांड फैक्ट्री संचालक से की है, लेकिन संचालक प्रतिमाह 10,000 रुपए देने में अड़ा हुआ है, जिसे लेकर ग्रामीण काफी आक्रोशित नजर आए। सर, अभी हम लोग अंदर कंपनी के मालिक से बात करने के लिए गए थे, तो कंपनी के मालिक के द्वारा अभी किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया गया है। हमारे जिसका भाई का डेथ हो चुका है, घर का ये मेन मुखिया था, इसका छोटा भाई है जो यहाँ ड्यूटी करता था। ड्यूटी करने के बाद इसके द्वारा माननीय महोदय ये बोला गया कि मुझे अपने कंपनी के द्वारा उसका मैनेजर के द्वारा बताया गया कि हम आपको नौकरी देंगे, तो नौकरी के लिए बच्चा मना कर दिया, बोले कि हमें नौकरी नहीं चाहिए। माँ के लिए बोले कि माँ का पेंशन हम देंगे, तो माँ का पेंशन के लिए भी ये बंद कर दिया, बोले हमें माँ का पेंशन भी नहीं चाहिए। तो एक ही पक्ष रख रहा है अपने शब्दों में कि मुझे 25 लाख रुपया एक बार पूरा क्लियर चाहिए, मैं अपना डेड बॉडी लेकर के अपना घर चला जाऊँगा। तो कंपनी के लोगों का क्या कहना है? कंपनी के लोगों का कहना है उसके मैनेजर के द्वारा कि हम अभी प्रत्येक जो महीना इसको दे रहे थे 10,000, उस 10,000 हर मंथली इसको देंगे और नौकरी देंगे, लेकिन ये बच्चा अभी नौकरी करने के मूड में नहीं है। तो आप लोग अभी जैसे बात अगर नहीं बन पा रही, तो अभी आप लोग क्या करेंगे? सर अभी बात नहीं बनेगा तो डेड बॉडी यही रहेगा। पुलिस प्रशासन का अभी किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं हमारे पास। तो अभी अभी वार्तालाप को लेकर के आगे किस तरीके की पहल की जा रही है, किस तरीके का क्या मतलब? अब वार्तालाप के लिए यही पहल है कि हम चाहते हैं कि ये जो सब 25 लाख का जो डिमांड है, इसको मालिक के द्वारा एग्री हो जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। देखना होगा मृतक बलराम चक्रधारी को किस तरह का न्याय मिलता है। कंपनी का संचालक कितना न्याय मृतक के साथ करता है, ये समय रहते पता चलेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।